अब जो किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। संसार की लगभग सारी महिलाओं को जीवन में कम से कम एक बार शायद ये बात जरूर आती होगी मन में कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी और आप सबको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी हुई एक कहानी, मर्द बना दिया। स्कूल से आते ही 9 वर्षीय अर्जुन ने अपना बैग पटका और गुस्से से रोते हुए बोला, मम्मा कब से कह रहा हूँ बाल कटवा दो, सुनते ही नहीं। आज पीटीआई सर ने असेंबली में आगे के बड़े बड़े बालों को पकड़ के कहा कि आज अर्जुन के बालों की पोनी बनाएंगे, कहते हुए वह मुंह लटकाकर सोफे पर बैठ गया। शारदा ने उसे लार प्यार से चुप करवाया और मन ही मन पति चंदन पर खूब झल्लाई। शाम को चंदन जब ऑफिस से लौटा तो चाय नाश्ते के बाद वो बरस पड़ी। चंदन ने भी वैसे ही जवाब दिया, मैंने तो पहले ही कह दिया था मेरे पास वक्त नहीं है, तुम ले जाकर बाल कटवा दो। कहते हुए चंदन ने टीवी पर अपने नजरें गड़ा दी। मैं जाऊं मर्दों वाले सैलून में? और क्या, तुम तो झांसी की रानी हो, सारे काम खुद करती हो, अब क्या हुआ? आप जानते हैं मर्दों वाले सैलून में मैं, मुझे अजीब लगता है। जो करो यार, मेरे पास टाइम नहीं है, चल्ला कर कहते हुए चंदन ने टीवी बंद कर लैपटॉप ऑन कर लिया। शारदा सामने खड़ी रही। तुम्हें किस बात का डर है? कॉकरोच और छिपकली तो तुमसे डरते हैं, हॉरर फिल्मों का पोस्टमार्टम कर देती हो। इन शॉर्ट कहूं तो औरतों वाला कोई गुण तो है ही नहीं तुम में, बस एक बात को छोड़कर, चंदन ने शरारती लहजे में कहा तो शारदा का गुस्सा और भी बढ़ गया। अरे बाबा, लड़ती एकदम बीवी की तरह हो, बस यही काम करती हो औरतों वाली, कहते हुए वो प्यार से हंस दिया। लेकिन हर किसी का कोई ना कोई डर होता है ना चंदन, कहते हुए शारदा का स्वर नर्म और गंभीर था। हाँ होता है, पर वो पब्लिक प्लेस है शारदा, बहुत से लोग होंगे, वहां कैसा डर? सोमवार को मेरा एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, कहते हुए चंदन लैपटॉप में व्यस्त हो गया। शारदा रुआंसी सी बैठ गई और खुद ही सोचने लगी, सची तो है, बचपन में गांव में परिवार में औरतों और मर्दों के काम प्रायः बटे हुए थे, औरतें ज्यादा भारी उठाने वाला और घर से बाहर के काम नहीं किया करती थी। उसे इस बात से चिढ़ थी कि काम तो सबका बराबर होना चाहिए, मर्द औरत क्या। पिछले 11 सालों से महानगर में रहते हुए वो घर और बाहर के सारे काम खुद करती। ऑनलाइन की सुविधा से पहले बिजली पानी का बिल भरना, बाजार से सामान लाना या और भी जरूरी काम, सारे काम खुद करती थी। हालांकि इसके पीछे कुछ हद तक चंदन का लापरवाह होना भी था। अपने माता पिता और सास का इलाज भी अकेले करवाया। पापा अब गर्व से कहते, मेरी शरू बेटी नहीं बेटा है। उसे अपने इस परिवर्तन पर खुद भी कभी कभी सुखद आश्चर्य होता। पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती जा रही थी। चंदन ऑफिस के अलावा लगभग हर काम से निश्चिंत होता गया। अब नया लैपटॉप खरीदा तो उसमें इंस्टॉल करने का काम भी शारदा को दे दिया था। अरे पढ़ी लिखी हो, स्मार्ट हो, सब कर सकती हो और तुम्हें इंटरेस्ट भी ऐसे कामों में। शारदा सब कर लेती, पर चंदन को कैसे कहे कि सिर्फ मर्दों वाले सैलून में जाने से उसे डर क्यों लग रहा है। 2-3 से ज्यादा अनजान मर्द आसपास दिख जाएं तो उसका चेहरा जर्द पड़ने लगता। ये एकमात्र डर था जो बचपन से ही उसके मन में समाया हुआ था। क्या करे वो, आज शुक्रवार है, 2 दिन अर्जुन की छुट्टी है, उसी में बाल कटवाने होंगे, रविवार को ज्यादा भीड़ होती है, कल ही जाना पड़ेगा। किसी और के भरोसे अर्जुन को छोड़ नहीं सकती और वो किसी के साथ जाएगा भी नहीं। चंदन पर बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था, पर कहीं ना कहीं वो ये भी समझ रही थी
कि वो उसका डर हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरे दिन सुबह चंदन के ऑफिस जाने के बाद शारदा अर्जुन को लेकर निकली। घर के जो सबसे पास था उसी सलून में गई। मन में खीज, डर और चंदन पर गुस्सा था। अंदर जाते ही जिस पर सबसे पहले नजर पड़ी वो चेहरे पर सफेदी पोते, आंखों पर खीरा लिए पड़ा था। उसे देखते ही उसका खीज और गुस्सा और बढ़ गया। नालायक, औरतों की मेकअप पर जोक बनाएंगे और खुद नटुआ बनकर लेते हैं। जो आज तक मैंने नहीं करवाया वो करवा रहा है। जो दूसरी कुर्सी पर था वो अपने आईब्रोज बनवा रहा था। शारदा का मन हुआ कि उल्टे पांव लौट जाए इन नटुओं को देखकर, पर अर्जुन का सोचकर रुक गई। सलून में काम करने वाले दो लड़के थे, एक आईब्रोज बना रहा था, दूसरा बाल काट रहा था, जो 3-4 मिनट में खाली हो गया। उसने बड़े प्यार से अर्जुन को ऊंची वाली कुर्सी पर बिठाया और उसे डरता देख बहलाते हुए बाल काटने लगा। सलून बहुत छोटा सा था तो बाल काटता हुआ लड़का उसके बहुत पास था और उसके पीछे के भाग को देखते हुए शारदा को उपन्यास की एक पंक्ति याद आ गई। कोई कह दे इसको इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सिजेरियन करवाना पड़ेगा। फिर उसे खुद पर हंसी आ गई। गुस्से में दिमाग खराब हो गया उसका, इस लड़के की सिजेरियन डिलीवरी। पर उसकी नजर उससे हटी नहीं। शारदा गौर से उसके चेहरे के भाव और हाथों की गति देख रही थी। उम्र शायद 18 से 20 के बीच, 48 से 50 किलो का वजन और लगभग 5 फीट 4.5 इंच की हाइट। कुछ अलग लग रहा था वो, पर क्या? उसका ध्यान उसके कपड़ों पर जाने लगा। एक बहुत ढीला सा टी शर्ट और लोअर, गले में गमछा जो आगे छाती को ढक रहा था। शारदा का चेहरा यकायक गंभीर होता चला गया। अर्जुन के बाल कटते कटते उस पुताई वाले ग्राहक के अलावा और कोई नहीं था और उस ग्राहक ने अपने कानों में ईयरफोन लगा रखा था। पैसे देते हुए शारदा ने उस लड़के से नाम पूछा तो उसने कहा, सोनू। असली नाम बताओ, शारदा ने जब ये पूछा तो वो चौंक गया। असली, वो धीरे से बोला, हाँ असली, क्योंकि तुम, कहते हुए शारदा उसकी तरफ गौर से देखने लगी। सुनीता, वो हाथ जोड़कर धीरे से बोला, ये मेरे भैया हैं, ये मेरे पापा का सलून है। अचानक से उनकी मौत के बाद हमारे पास कोई काम नहीं था, ना ही पार्लर खोलने के लिए पैसे, तो यही काम करने लगी। मैम, किसी को बताइएगा नहीं, आप भी समझती ही होंगी कि एक लड़की के लिए मर्दों के सलून में काम करना कितना मुश्किल होता है। शारदा को अचानक से समझ नहीं आया कि क्या कहे, फिर संयत होकर बोली, ये गमछा थोड़ा ठीक से रखो और ग्राहकों से बात कम किया करो। कहते हुए ना जाने क्या हुआ, उसने सुनीता के सिर पर हाथ रख दिया। शारदा अर्जुन को लेकर बाहर निकल गई। मन में यही चल रहा था कि मैं तो बाहर का काम करके बेटी से बेटा बन गई, पर दुनिया ने तो इसे मर्द बना दिया। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में भारती कुमारी की लिखी हुई कहानी मर्द बना दिया। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।